नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुमित कौशल में। दोस्तों, आज हम विमय सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और ये पार्ट टू रहेगा इसका। तो पिछले पार्ट में हमने कुछ विमाओं को डिस्कस किया था जो कि RRB, NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें से विमय सूत्र में से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता हर बार एग्ज़ाम में। तो चलिए, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल की विमा कितनी होती है? एम एल और टी की पावर माइनस के 2 और अपॉन लंबाई की कितनी होती है? एल। इसको हम सही से लिख देंगे। अब एम एल से एल कैंसिल आउट, तो टी की पावर माइनस के 2। अगर आपको दोस्तों बल की विमा याद है तो आप लगभग 50% विमाएँ कर सकते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यह होता है बल गुणा दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। फिर इसमें बल आ गया, देखो बल की विमा होती है एम एल और टी की पावर माइनस 2 और गुणा दूरी कितनी होती है यहाँ पर, ये एल का स्क्वायर और बटे ये कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान एम का स्क्वायर। तो इसको हम सही से लिख देते हैं। देखो ये ऊपर जाएगा तो माइनस की 2 घात हो जाएगी, तो एम एक प्लस की है ये, तो एम एक कितनी बचेगी, माइनस की 1 घात बच जाएगी, एल की घात 3 हो जाएगी ये, क्योंकि एक ही रहा, 2 ये रहा और टी की घात माइनस के 2। अब देखते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका होता है फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। फिर इसमें बल आ गया तो बल की कितनी होती है एम एल टी की पावर माइनस 2 और अपॉन कितना द्रव्यमान, द्रव्यमान कितनी होती है एम। चलिए इसको हम सही से लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट, तो एल और टी की पावर माइनस के ये 2 बच जाएगा यहाँ पर। देखिए एम से एम कैंसिल आउट, तो एल टी की पावर माइनस 2। गुरुत्वीय विभव, कार्य बटे द्रव्यमान। कार्य की विमा हमें मालूम है एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस के 2 और अपॉन कितना है फिर द्रव्यमान, इसकी कितनी होती है एम। इसको हम सही से लिख देंगे। तो एम से एम कैंसिल आउट, तो एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस के 2। चलिए आगे देख लेते हैं हम स्प्रिंग का बल नियतांक। इसका फॉर्मूला होता है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। फिर इसमें बल आगे देखो तो बल की विमा वही होती है एम एल और टी की पावर माइनस 2 और अपॉन कितना लंबाई में वृद्धि, यानी कितनी हुई इसकी एल, क्योंकि लंबाई तो है ये, एल से एल कैंसिल आउट, एम और टी की पावर माइनस के 2 ये रह गया यहाँ पर। आवृत्ति, बन बटे आवर्तकाल। बन अपॉन आवर्तकाल, आवर्तकाल कितनी होती है टी, तो ये कितना हो गया, ये ऊपर आएगा अब, तो टी का कितना हो जाएगा, ये इनवर्स, क्योंकि विमा को हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। कोण यानी कि रेडियन में, तो चाप बटे त्रिज्या। चाप को किस में हम नापते हैं, लंबाई में। मात्रा कितना होता है इसका, मीटर, तो इसकी कितनी होगी एल, तो एल 0 और अपॉन कितना, चाप भी किस में नापते हैं, सॉरी 0 लिखेंगे यहाँ पर, और एल, तो ये कितनी है, एल से एल कैंसिल आउट, तो एल की 0। इसकी कोई बीमा होती नहीं है कोड़े रेडियन की, कोड़ यानी कि रेडियन में इसकी बीमा कोई होती नहीं है। कोड़ या बेग, तो कोड़ बटे समय, कोड़ की बीमा तो कोई होती नहीं है, तो इसको हम बन सकते हैं, और अपॉन कितना, समय, समय कितनी टी, तो इसको हम सही से लिख देंगे, कितना हो गया टी का इनवर्स। चलिए और हम आगे देखते हैं कुछ बीमाओं को। और तो देखिए दोस्तों, कुछ और बीमाएँ हैं ये। तो बात करें हम कोड़ या त्वरण की, तो चलिए कोड़ या त्वरण की जो बीमा होती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसे, कोड़ या बेग अपॉन समय। इसका फॉर्मूला होता है कोड़ या त्वरण का। अब कोड़ या बेग, कोड़ या बेग की बीमा कितनी होती है, टी की इनवर्स और अपॉन समय, समय कितनी होती टी, तो ये हो जाएगी कितनी, टी की घात माइनस के 2। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। द्रव्यमान कितनी होती है एम और इनटू फिर दूरी का वर्ग, इसलिए कितना हो गया एल स्क्वायर।
तो ये कितनी हो जाएगी इसकी, एम और एल स्क्वायर। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण की हमने निकाल ली कितनी होती है, ये एम एल स्क्वायर और इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग की कितनी होती है बीमा, कोणीय वेग, कोणीय वेग की होती है टी की इनवर्स, इसको हम सही से लिख देंगे एम एल स्क्वायर और टी के इनवर्स। चलिए विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप वृद्धि। ऊष्मा ऊर्जा देखो गतिज ऊर्जा हो, कार्य हो या ऊष्मा ऊर्जा हो, इनकी सबकी बीमा एक ही होती है, तो क्या होती है एम एल स्क्वायर और टी की घात माइनस के टू, और अपोन कितना है द्रव्यमान गुणा ताप वृद्धि, तो अपोन द्रव्यमान कितनी हो गई एम और ताप वृद्धि, ताप कितनी होती है थीटा, इसको आप ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सही से लिख देंगे एम से एम कैंसिल आउट, तो देखो यहाँ पर कितना बचा एल स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचा टी की घात माइनस टू, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा का इन्वर्स, तो ये कितना हो गया एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर और टी की माइनस टू और थीटा ये ऊपर आएगा तो ये थीटा का माइनस के वन, ये इसकी बीमा होगी। ऊष्मा धारिता द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा, देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान कितनी होती है एम, और विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा की हमने अभी निकाल ली है कितनी होती है, ये है एल स्क्वायर टी की घात माइनस टू और थीटा का इन्वर्स, तो इसको हम सही से लिख देंगे एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू और थीटा का इन्वर्स। ये बीमाएँ पूछी जाती हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जो होती है ऊष्मा ऊर्जा बटे द्रव्यमान। अब ऊष्मा ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या कार्य, इन तीनों की बीमा एक ही होती है, आप ध्यान रखना। तो ऊष्मा ऊर्जा की वही हो गई कितनी एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू और अपॉन द्रव्यमान, द्रव्यमान कितनी होती एम, इसको हम सही से लिख देंगे, देखो एम से एम कैंसिल आउट तो कितना बचा एल स्क्वायर टी की हाथ माइनस के टू, एल स्क्वायर टी की हाथ माइनस के टू, ये इसकी बीमा हो गई। अब देखो रेखीय प्रसार गुणांक, इसमें होता है लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप वृद्धि। लंबाई में वृद्धि ये कितना हो गया एल इसकी, और प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई कितना हो गया एल हो गया इसका भी बीमा, ताप वृद्धि थीटा होता है इसका, तो एल से तो एल कैंसिल आउट तो कितना हो गया इसकी बीमा थीटा, ऊपर आएगा ये माइनस का वन, ये इसकी बीमा हो गई। तो दोस्तों हमने ये सारी बीमाएँ डिस्कस की हैं, इनमें से देखो विशिष्ट ऊष्मा, रेखीय प्रसार गुणांक और ये कोणीय संवेग और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आती आती एग्ज़ाम में ग्रुप डी और एनटीपीसी में। तो चलिए मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक में हम सदिश और अदिश राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।